दबंगों ने किया भूमि पर कब्जा, न्याय पाने के लिए पेट लगा रहा अधिकारियों के चक्कर। जनपद कर्प देहात के तहसील टेरापुर के ग्राम ललपुरवा में भगवान स्वरूप की जमीन जिसका पट्टा 1976 में हुआ था, जिस जमीन पर लगातार फसल को पोता चला रहा है, परंतु गांव के ही रंजीत सिंह, धीरू सिंह, चरण, अरविंद कुमार ने अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा कर बादशाह की फसल बो दी। जब भगवान सिंह ने मना किया तो वह लोग गाली गलौज करने लगा और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किया और जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण को लेकर के पीड़ित भगवान सिंह जब पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के पास पहुंचे तो उन्होंने जांच करके उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से ब्यूरो चीफ वीरेंद्र गुप्ता की खास रिपोर्ट। क्या परिचय है भाई साहब आपका? मेरा नाम भगवान स्वरूप सिंह है, मैं रिटायर्ड डिप्टी एसपी हूं। मामला क्या है, क्या क्या परेशानी? रहने वाला हूं। हमारी जमीन पे जंगल में जमीन है करीब 3-3.5 की, जो उसमें अवैध लोगों ने कब्जा कर लिया है 4 लोगों ने, उनके नाम क्रमशः इस प्रकार है। नंबर 1 का नाम है रंजीत, नंबर 2 का नाम है कल्लू, नंबर 3 का नाम है भूतपूर्व प्रधान है। क्या नाम है? चरण। नंबर 4 है अरविंद गुप्ता। 4 लोगों ने हमारे खेत को जोत लिया है, उसमें बाजरा बो दिया है। ऐसा जानकारी की मना किया तो गाली गलौज किया, जासूस तक सबका है मारपीट उतारू है और 10,000 रुपए की मांग की। मेरे पैसे दिए तो करेंगे, कहीं जो बिगाड़ना और बिगाड़ लो, एसपीडियां हमारे बार के बराबर है, मैं किसी को मारती नहीं देखा। आप इसकी शिकायत एसपी में से की? हाँ, मैंने यतीन साहब को शिकायत कर दी, लिखित में दे दिया है। क्या कार्रवाई हुई इसका? आज कहाँ पर आए? आज मैं तहसील दिवस पे आया हूँ, समाधान दिवस पे। आप कंधी है तो कुछ दिन में इसका निदान होता है, इसके बारे में इतिहास।